ओवर टाइम के पैसे का हिसाब कैसे करें। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर हम बाहर में अगर काम करते हैं, बहुत सारे हमारे भाई जाते हैं वर्कर लोग, तो वहाँ बाहर में उनको काम करने का मौका वहाँ मिलता है, वहाँ वो काम करते हैं, और वहाँ कभी कभी क्या होता है कि ओवर टाइम करना पड़ता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ओवर टाइम का अलग से पैसा मिलता है। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे फ्रेंड्स कि ओवर टाइम के पैसे का हिसाब कैसे करें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मुझे 9 बजे से 6 बजे तक का 650 रुपये मिलता है, उसके बाद डेली 2-3 घंटा ओवर टाइम है, तो इसका पैसा हम कैसे निकालें। तो चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स हम लोग दोनों तरीका देखेंगे, मैनुअली कैसे सॉल्व करेंगे और दूसरा कैलकुलेटर ट्रिक, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम समय यहां पर देख लेते हैं कि टोटल समय जो है वो कितना लग रहा है, कुल समय। तो टोटल समय फ्रेंड्स क्या है, 9 बजे से 6 बजे तक। तो अगर फ्रेंड्स यहां पर अगर हम लोग देखें तो देखिए 9 बजे से लेकर 3 बजे तक टोटल 6 घंटा हुआ, और उसके बाद 3 घंटा और, देखिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 8 9, यानी टोटल 9 घंटा फ्रेंड्स हो रहा है, ठीक है। 9 बजे से टोटल 6 बजे तक टोटल 9 घंटा हो रहा है, कितना हो रहा है, जो टाइम है वो 9 घंटा हो रहा है, और 9 घंटे का मिल कितना रहा है। तो देखिए यहाँ पर हिसाब अगर हम बैठाएं तो ये हिसाब एक दिन का किस हिसाब से बैठ रहा है, 9 घंटा का कितना मिल रहा है, 650 रुपया, मतलब कि 650 रुपया, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स यहां पर हम लोगों को 1 घंटा का निकालना है, किसका निकालना है, 1 घंटा का। तो जितने घंटे आपकी ड्यूटी हो आपको उसी से दोनों में डिवाइड करना है। तो देखिए इस तरह से अगर हम इसको कट करेंगे तो 9 1 का 9 हो जाएगा, और यहां पर जब हम कट करेंगे तो 9 7 63 बचा 2 20 हो जाएगा, 9 2 18, ये देखिए ये आ रहा है 72.22। इसको जब फ्रेंड्स जब हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो ये आ रहा है 72.22, मतलब 72 रुपये 22 पैसे, ठीक है। अब देखिए ये 1 घंटे का आ रहा है, तो इस तरह से हम लोगों को पता चल गया कि अगर हिसाब 9 घंटे में अगर 650 मिलता है तो 1 घंटे में मिलेगा 72 रुपये 22 पैसे, ठीक है इतना। अब देखिए फ्रेंड्स आपका चाहे 2 घंटे का ओवर टाइम हो, चाहे 3 घंटे का, या चाहे जितने घंटे का भी हो, आपको डेली का डेली अपने ओवर टाइम के समय को आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से आपका पैसा भी बनेगा। तो आपको डायरी में एक जगह नोट करना है, तो यहां पर हम लोग 1 दिन का देख ले रहे हैं, और आपका जितने भी दिन जितना घंटा है उसके हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। तो देखिए अब यहां अगर हमें 2 घंटे का निकालना है तो हमें इसी का 2 गुना करना पड़ेगा, तो चलिए 2 से हम गुना कर दे रहे हैं, तो 2 दुनी 4 2 दुनी 4 2 दुनी 4 2 7 14, मतलब ये हो जाएगा 2 घंटे का 144 रुपये 44 पैसे होगा। अगर आपका 3 घंटे का निकालना है तो इसी का 3 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दुनी 6 3 दुनी 6 3 दुनी 6 3 7 21, 216 रुपया 66 पैसा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप ओवर टाइम का पैसा अपना निकाल सकते हैं। तो अब ये 1 दिन का मैंने आपको निकाल दिया है, अगर आप 1 घंटे का ओवर टाइम करते हैं तो आपको 72 रुपये 22 पैसे आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे उस दिन, यानी आपके तनख्वाह के अलावा ये और उसमें ऐड हो जाएगा। अगर 2 घंटे करते हैं तो 144 रुपये 44 पैसे मिलेंगे, अगर आप 3 घंटे करते हैं तो 216 रुपये 66 पैसे आपके बनेंगे। अब जो भी आपका महीना है तो हर दिन का कितना घंटा आप कर रहे हैं उसके हिसाब से गुणा करके आप टोटल कर लेंगे, तो टोटल ओवर टाइम का पैसा फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर आपको यही 1 दिन अगर आपको कैलकुलेटर से निकालना हो तो कैलकुलेटर से आप इसको कैसे अपना पैसा निकालेंगे, कैलकुलेटर ट्रिक। तो आइए देखते हैं कि हम कैलकुलेटर से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो आपका 1 दिन का हिसाब है, जैसे देखिए यहाँ 9 घंटे का 650 रुपये मिल रहा था, तो कैलकुलेटर ट्रिक में ओवर टाइम का जो भी पैसा होगा, ओवर टाइम का पैसा निकालने के लिए फ्रेंड्स
सबसे पहले देखिए हम लोग पैसा निकालें, मतलब कि रुपए निकाल रहे हैं। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, रुपए निकाल रहे हैं ना। तो यहां पर आपको जो भी हिसाब बताया जाए एक दिन का कि इतने घंटे का इतना रुपए मिलेगा, वो आपको हिसाब का रुपए यहां आपको एंटर करना है एक दिन का, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आप डिवाइड लगाएंगे, अब एक दिन में कितना घंटे ड्यूटी है, ड्यूटी का घंटे एक दिन का, ये भी आपको एक दिन का ड्यूटी का घंटे आपको यहां पर भाग लगाने के बाद यहां एंटर करना है। और उसके बाद यहां पर आपको गुणा लगाना है, अब जितना भी आपका ओवर टाइम का घंटा है वो घंटा आप यहां एंटर कर देंगे, ओवर टाइम का घंटा। जैसे ही एंटर करेंगे फ्रेंड्स, तुरंत आपको उस दिन का ओवर टाइम का पैसा निकल करके आ जाएगा, उसको आप डायरी में लिखते जाइए डेली का डेली, और फिर 30 दिन या 31 दिन जो भी महीना है वो आप टोटल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। दो या तीन घंटे में से मान लीजिए हम 3 घंटे का ही निकालते हैं, यानी कि 3 घंटे का निकालते हैं, तो 3 घंटे का निकाल के मैं आपको दिखा दे रहा हूं फ्रेंड्स, आप डेली का अपना टोटल निकाल सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए 3 घंटे ओवर टाइम का पैसा हम लोग निकाल रहे हैं, तो 3 घंटे का पैसा कितना बनेगा, तो देखिए हमारा हिसाब क्या है, 9 घंटे का हमें मिल रहा है 650, तो यहां पर सबसे पहले हम 650 एंटर कर देंगे। इसके बाद यहां डिवाइड लगाएंगे, अब एक दिन में कितना घंटा ड्यूटी है, 9 घंटा, तो यहां हम 9 घंटे एंटर करेंगे। इसके बाद यहां गुणा लगाएंगे, अब 3 घंटे ओवर टाइम है, तो यहां 3 जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितने आ रहे हैं, 216.66 करके ढेर सारा आ रहा है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड्स, यहां पर आपको दशमलव के सिर्फ 2 अंक तक ही लेना है। तो ये टोटल आपका आ गया ओवर टाइम का पैसा 216.66। तो इस तरह से अगर 4 घंटे है तो यहां आप 4 लिख के एंटर कर लीजिए, 4 घंटे का ओवर टाइम का पैसा निकल आएगा। अगर 5 घंटे है तो यहां 5 करके आप एक डायरी में नोट करते रहिए कि किस दिन कितना ओवर टाइम आपने किया है, फिर महीने में आप टोटल कर लेंगे तो ओवर टाइम का पैसा निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स हम ओवर टाइम के पैसे का हिसाब कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर आपको मिलती रहती हैं आपके कमेंट पर आधारित हिसाब किताब वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, अपने हिसाब किताब को तेज करने के लिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबाएं, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे।